अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान हाय दी रहम वाला है। जी आज से हमारा प्लान का 4 डे स्टार्ट है और मॉर्निंग सेशन बहुत ही एटमॉस्फेयर अच्छा है। इंशाल्लाह आज से हमारी ट्रेनिंग है शोल्डर और रोड टू एम श्योर ओलंपिया के लिए हमारी तैयारी है, जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन जा रही है। इंशाल्लाह आज आपको उसकी शोल्डर की ट्रेनिंग का वर्कआउट दिखाते हैं, लेट्स गो। शोल्डर की ट्रेनिंग हमने स्टार्ट की है, सबसे पहले हमने वार्मअप की है। वार्मअप करने के फौरी बाद हमने अपना रॉड, बैक रॉड लगाएंगे बिहाइंड द नेक, फिर फ्रंट रॉड लगाएंगे, देन इसके बाद हम साइड डंबल रिंग, उसके बाद बैंड डंबल, देन शोल्डर बैक, फ्रंट हैमरिंग, हर कम अज कम इसमें 5 ट्रेनिंग है, हम इसको वर्कआउट में लेके आएंगे। देन इंशाल्लाह आपको इसके साथ साथ जो भी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियोज हैं वो हमारी आपको नॉलेज मिलता रहेगा। नेक्स्ट गो। ओके, हमारा शोल्डर का बैक एंड फ्रंट गार्ड दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह साइड रिजिट करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह फिर हमारी बैक शोल्डर आ जाएगी और इसी के बाद हम इंशाल्लाह दूसरी ट्रेनिंग को वर्कआउट करते हैं। सबसे बड़ी टिप, ड्यूरिंग द सेशन, ट्रेनिंग सेशन, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आपका एक सेट का दुरानिया दूसरे सेट तक जाने में ओनली 10-15 सेकेंड्स कि आप अपना सांस बाहर करो, देन उसके बाद नेक्स्ट सेट के लिए रेडी हो जाओ। ओके, सेट के दौरान जो आपने रेस्ट लेनी है 10-15 सेकेंड, उसी में कोशिश करनी है कि आपने हर सेट के बाद अपना पानी यूज़ करना है, पानी की इंटेक करनी है जिससे आपकी बॉडी को रिलैक्स हो जाए और स्ट्रेंथ आपकी, पावर आपकी दोबारा डेवलप हो जाए। ओके, शोल्डर वर्कआउट फिनिश। अब लगाएंगे डेडलिफ्ट का एंगल कैसे लगता है, क्या पोजीशन है लेग्स की, हैमस्ट्रिंग की, काफ की, अपनी शोल्डर की स्ट्रेंथ, अपनी बैकबोन को हम किस जगह पर स्ट्रेट करेंगे, जिस जगह पर बेंड करेंगे, इस पोजीशन को आप लोगों ने फॉलो करना है। ओके,